हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन और चैप्टर इज योगा एंड लाइफस्टाइल, जो कि आपके टर्म 2 में आ रहा है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। योगा क्या है? योगा बैलेंसिंग एंड हार्मोनाइजिंग द बॉडी माइंड एंड इमोशंस। योगा वो टेक्निक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने बॉडी को, अपने दिमाग को और अपने इमोशंस को बैलेंस करते हो और उन्हें हार्मोनाइज यानी कि शांति प्रदान करते हो। योगा हैज कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू यूनाइट और टू ज्वाइन। योगा जो शब्द है वो संस्कृत से आया है, संस्कृत शब्द यूज से, जिसका मतलब है जोड़ना या फिर मिला देना। यूनाइट होता है एक कर देना या फिर ज्वाइन यानी इकट्ठा कर देना। योगा हेल्प्स द इंडिविजुअल्स टू कनेक्ट विद वंस इनर स्पिरिट व्हिच इज एसेंशियली डिवाइन एंड इज कनेक्टेड टू गॉड। योगा एक इंडिविजुअल को कनेक्ट करता है उसकी अंदर की आत्मा से, जो कि दैवीय शक्ति होती है, और वो फिर भगवान से जुड़ती होती है, जुड़ी होती है। तो मतलब योगा एक मीडियम है जिससे आप भगवान से जुड़ सकते हो। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन आर एम्स ऑफ योगा। तो योगा के जो एम्स है वो है कि खुद को पहचानना और खुद को परफेक्ट बनाना, उस चीज को हम लोग योगा कहते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ योगा? योगा के क्या क्या इम्पोर्टेंस है? पीस ऑफ माइंड, माइंड की शांति, इंक्रीज कंसंट्रेशन और फोकस, अपना ध्यान एकाग्रित करने की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करना। क्लीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिनसे हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं ऑर्गन से, उनको साफ करना। इनमें हम लोगों का मेनली नोज आ जाएगा और साथ में हमारा लंग्स का सिस्टम भी आ जाएगा। टू इंक्रीज बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी को फ्लेक्स यानी हिलाने डुलाने, मूवमेंट करवाने की प्रोसेस को बढ़ाना। रिडक्शन इन ओबेसिटी, अपना जो फैट है, बॉडी फैट है, उसको रिड्यूस करना। करेक्ट पोस्चर, बैठने का, खड़े होने का जो तरीका है उसको सही करना, दैट इज कॉल्ड करेक्ट पोस्चर। बॉडी रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स रखना आराम में ताकि बॉडी रहे। क्यूरिंग ऑफ वेरियस डिसीजेस, काफी सारी बीमारियों का ठीक होना भी योगा की इंपॉर्टेंस में है। कंट्रोलिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनपे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हमें योगा से सीखने को मिल सकता है। तो इन शॉर्ट योगा के बहुत सारे फायदे हैं। आसन्स, वेरियस पोस्चर्स ऑफ योगा, योगा के अलग अलग या काफी सारे पोस्चर्स को हम लोग आसन बोलते हैं। हेल्प्स टू रिमेन हेल्दी एंड बैलेंस, आसन हमें हेल्दी रहने में और बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। डेवलप कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या डेवलप करते हैं। एजिलिटी होता है फुर्ती, मतलब हम लोग बहुत चुस्त हैं, बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बना के रखना। एंड्योरेंस होता है आप लोग कितने सहन शक्ति है आप में, सहन शक्ति आप में, किसी डिफिकल्ट काम को आप कर रहे हो और आप करते जा रहे हो, आप में उसको, उसके जो पेन है वो सहने की शक्ति है, दैट इज कॉल्ड सहन शक्ति। ग्रेट विटिलिटी, आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, आपकी बॉडी में ऊर्जा है, तो वो डेवलपमेंट भी आसन के थ्रू होती है। तो मतलब आसन आपको कंसंट्रेशन सिखाते हैं, फुर्ती, बैलेंसिंग, आपको सहन शक्ति बनाते हैं और साथ में आप एक नई ऊर्जा भरते हैं। फ्री फ्रॉम डिसीजेस, और आपको बीमारियों से भी बचा के रखते हैं, दैट इज द पर्पज ऑफ आसन। देन क्लासिफिकेशन ऑफ आसन, आसन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट इज ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव आसन, शुड बी प्रैक्टिस इन पीसफुल एटमोस्फियर, तो हमें ये शांत वातावरण में करने चाहिए। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन पावर, ये हमारी कंसेंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पद्मासन, शीधासन, स्वास्तिक आसन, ये सभी ध्यानात्मक आसन के टाइप्स हैं। रिलैक्सेशन आसन, रिलैक्सेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फैटिग, अगर हमें शारीरिक या मानसिक थकावट है तो उससे हमें रिलैक्स करवाते हैं, ये रिलैक्सेशन आसन। शाश्क आसन, शवासन, मकर आसन, ये सभी रिलैक्सेशन आसन के टाइप हैं। कल्चरल और करेक्टिव आसन, कल्चरल या फिर करेक्टिव आसन जो कि हेल्पफुल इन फिजिकल डेवलपमेंट, ये हमारे शारीरिक विकास में हेल्प करते हैं।
शीर्षासन, सर्वांगासन, मयूरासन ये सभी कल्चरल आसन के टाइप है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ आसन, अब आसन के क्या साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है अब उसकी हम लोग बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है आसन के, मतलब ताकि हमारा जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो अच्छे से काम करता रहे, हेल्थी रहे, उसमें क्या फायदे हैं आसन के वो हम लोग बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव यानी कि जैसे हमारा जिस प्रोसेस से हमारा खाना बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। मैनी आसन जैसे कि फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, वेरियस स्पाइनल ट्विस्ट एक्सेट्रा, काफी सारे आसन है इसमें जो आते हैं, जैसे फॉरवर्ड झुकना, आगे की तरफ झुकना, पीछे की तरफ झुकना, और स्पाइनल ट्विस्ट जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है उसको ट्विस्ट करना। स्ट्रेंथन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं उनको सब ताकत देते हैं, एंड मसल्स, और उनके मसल्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, विच सपोर्ट द ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये आसन करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ओके रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा ब्लड फ्लोएशन का सिस्टम आ गया। इनवर्टेड पोस्चर, जैसे कि हेड स्टैंड हो गया, शोल्डर स्टैंड हो गया, व्हील एक्सेट्रा, ये सारे क्या करते हैं, ड्रेन द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आते हैं, एंड फ्रेश ब्लड इज सप्लाइड विच इम्प्रूव्स द हेल्थ, और ताजा ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है जिससे हेल्थ हमारी इम्प्रूव करती है। और अगर फ्रेश ब्लड फ्लो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा चल रहा है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम आसन, जैसे कि पीकॉक पोज, यहाँ पे पोज है पीकॉक पोज, एंड लोकस लोकस्ट पोज जिसको शलभ आसन बोलते हैं, वो एक्सपैंड द चेस्ट टू फुल एक्सटेंड, वो हमारी चेस्ट को जितना हो सकता है उसको एक्सपैंड कर देता है, विच हेल्प्स इन स्ट्रेंथिंग द लंग्स, जिससे हमारे लंग्स की जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती है। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा नर्वस जिसमें हमारे बॉडी के पार्ट्स कंट्रोल में होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। व्हाइल परफॉर्मिंग आसन, आसन परफॉर्म करते हुए वी ट्राई टू फोकस ऑन ब्रीथ वेरियस बॉडी पार्ट्स, हम लोग ब्रीथ पे फोकस करते हैं सांस लेने में, और काफी सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे फोकस करते हैं। टेक अवे द माइंड फ्रॉम स्ट्रेस थॉट एंड इमोशन, जो हमारे माइंड को ये स्ट्रेस वाले विचारों से दूर ले जाता है, इमोशन से दूर ले जाता है, रिजल्टिंग इन काम एंड पीसफुल स्टेट, जिससे हमारा दिमाग जब शांत हो जाता है और शांति वाली स्टेट में वो पहुंच जाता है। पॉजिटिव सिग्नल्स आर सेंट टू हाइपोथैलेमस, और पॉजिटिव सिग्नल जो है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को पहुंचाए जाते हैं, विच लीड्स टू मोर इफेक्टिव फंक्शंस ऑफ ग्लैंड एंड हार्मोन सिक्रेशन, जिससे क्या है कि ग्लैंड्स की जो फंक्शनिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, और हार्मोन सिक्रेशन भी अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर डन होता है। तो यानी कि आसन करने से हमारा नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल रहता है, और हमारे जो बॉडी के ग्लैंड्स है वो भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये हमारे पास आसन के रिगार्डिंग जो आपको बेनिफिट्स है फिजियोलॉजिकल वो प्रूव किए गए हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।